मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए, वाद विवाद से बचाव करिए, धन के लेन देन में सावधानी रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक मामले आपके हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, मानसिक तनाव थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, रुके हुए तमाम काम अपने पूरे होंगे, उपहार का और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें नियमित रूप से या खास तौर से इस समय तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान आपको बनाए रखना है, करियर में सावधानी से निर्णय लीजिएगा, वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, करियर में आपको लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, स्वास्थ्य के मामले में इस समय आपके लिए
सुधार होता दिख रहा है। धन के खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। हालांकि देखिए काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ आपको उतना ही होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में आपके इस समय मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। इस समय पारिवारिक समस्या का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी इस समय थोड़ी बढ़ी रहेगी। मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। इस समय हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। परिवार में मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।